लगाओ गेयर। ऐसा हमारे तीन गियर तो शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो ओडी है ना वो नहीं काम कर रहा। तो ये पिंक कलर में जो है ना, ये इसमें जो है ना सिग्नल आना चाहिए, जो कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि क्या मसला है इसमें, कहां से मसला आ रहा है। तो ये देखिए बटन को ऑन करती है तो अंदर लाइट भी आ गई ओडी ऑफ की, ठीक है। लेकिन इस सूरत में हमारा ओडी गियर जो है ना वो ऑफ रहेगा। जब लाइट ऑफ होती है और बटन जो है वो भी ऑफ हो जाता है, तो तब उस कंडीशन में हमारा जो है ना फोर्थ गियर ऑपरेट होता है। तो ये लाइट भी आ रही है और बटन भी काम कर रहा है, लेकिन नीचे जो है ना गियर के सोलेनोइड वो नहीं ऑन हो रहा, तो इसलिए हमारा फोर्थ गियर नहीं ऑन हो रहा। तो कस्टमर के पास भी टाइम नहीं था, उन्होंने कहा कि हमें जल्दी आप ज़रा जल्दी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने फिर जो है ना फोर पिन रिले, फाइव पिन रिले लगा के ना उसका गियर एक्टिव कर दिया। फोर्थ जो गियर होता है और डीएक्टिव हो गया। तो इसका जो है ना आपको पिन आउट आपसे शेयर करेंगे, ये किस तरह लगाइए। ये नॉर्मल जो है ना रिले उस तरह नहीं लगती, तो इसका जो है ना पिन आउट आपसे शेयर करेंगे। आप ज़रा वीडियो देखिए, नजदीक लिया ये हमारा आईजी स्विच है, ठीक है, ये ठीक है। और ये देखें स्विच ऑफ करने पे ऑफ हो रहा है। और इसके अलावा ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा जो है ना ओडी स्विच का, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद जो है ना ओडी स्विच ऑन ऑफ करेंगे ये ऑपरेट होगा, ठीक है। और जो चार नंबर है वायर, वो ये वाली हमारी जो है ना आउट है।
फोन चेक कराई ऑडी ऑन हो। बंद है ओके। पहले वाली वायर जो है ना वो अलहदा कर लेनी है, वो छोड़ते नहीं है। तो जो नई वायर डाली है ना वो उसके साथ जॉइंट कर दी है, ठीक है। अच्छी तरह से जॉइंट करके और इसका जो है ना क्लोज कर देंगे। बाकी सारी वायर ठीक है, बस यही मतलब चल फोन ऑडियो ऑन है। ठीक है, चल कर ठीक है। बटन प्रेस कर दे, दे प्रेस करके ना जो तो बटन अंदर चले जाए ओडी ऑन ओडी चल चल एक दो पांच एक दो तीन, तीन गियर हमारे लग गए हैं लेकिन ओडी ऑफ है। ओडी करेंगे हम ऑन और चौथा गियर लग जाएगा, ठीक है। ये चौथा गियर लग गया, ठीक है। ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। प्रॉपर काम कर रहे हैं। अच्छा,